पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फजल महमूद चौधरी, जो गुज़िश्ता तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे से एज अ सेक्स काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मास्टरबेशन, मुश्तज़नी, हाथ जनी या जो भी आप इसको कहते हैं, जिस सेंस में भी ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसको हम आज क्लियर करेंगे। इसमें मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो, जिसमें कि कुछ मुस्लिम हैं कुछ नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इसके मुतल्लिक आके अपनी अपनी राय देके और लोगों को मिसगाइड करके मैं कहूँगा कि चले जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं जी कि इसका कोई नुकसान नहीं, इसका कोई मतलब किसी भी तौर पे कोई नुकसान नहीं है, जितनी दफ़ा मर्ज़ी करें और करते रहना चाहिए और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने जिस तरह अपने जो है पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने आदम के लिए हव्वा को बनाया, तो अल्लाह करीम ने जो है आदम के लिए सारे आदम क्यों नहीं बना दिए? अल्लाह ताला ने जब तख्लीक की तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, ना उसने किसी से पूछने जाना था, ना कोई इजाज़त लेने की तौबा नऊज़ बिल्लाह ज़रूरत थी कि वो सारे के सारे आदम बना देता, सारे के सारे मर्द बना देता। तो अल्लाह ने जब ये, आप ख़ुद सोचें कि जब अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया, उसके इसी तरह उसके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए मुताबिक, एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक बनाए। अब उसमें जो हमारा नफ्स है, पीनस है, उसका उसके ऊपर एक ख़ास किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं और तकरीबन इसमें जो है ना 8-1000 के करीब सेंसर्स मर्द के नफ्स पे लगे होते हैं और 8-9000 के करीब सेंसर्स वजाइना के अंदर मौजूद होते हैं, औरत में ज़्यादा होते हैं। सो ये इतने हसास होते हैं कि जो हमारे जिस्म का सबसे हसास तरीन जो है पार्ट वो ये है। और आप उसमें देखें, उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया औरत के जिस्म में, जो वजाइना बनाई, वहाँ पे भी उसकी एक ख़ास किस्म की नरमाई उसमें दी। फिर जब आपने इंटरकोर्स करना है, जब उस वक्त वो एक ख़ास किस्म की उसमें से रतूबत खारिज होती है जो कि उसको गीला करती है, जो कि ऑयल का काम करती है, ताकि वो अगर रगड़ जो है वो एक ख़ास हद तक पैदा हो और जिस्म है उसकी एक ख़ास, उसकी एक ग्रिप है, एक ख़ास किस्म का प्रेशर है, उतना ही है। फिर उसमें गर्माइश, एक ख़ास गर्माइश होती है। सो पहली बात ये आ जाती है कि जब आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हाथ में जो है आप अगर उसको देखें तो इसकी ग्रिप में और उसकी ग्रिप में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और आप जब ऑर्गेज़म पे पहुँचते हैं जब औरत, और इसी तरह जब आप डिस्चार्ज होने लगता है मर्द, तो उस वक्त मर्द की कोशिश होती है कि वो उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आ जाए और औरत की भी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो है ना वो उसको उसके जो है ना मैक्सिमम लेंथ और हर चीज़ उसके उसमें अंदर चली जाए। सो उस वक्त आपके हाथ में क्या होता है? जो होता है आप उसी को दबाएंगे। सो जब आप उसका गला दबाएंगे तो क्या होगा? उसका बेड़ा गर्क होगा और इसकी वजह से क्या होगा, उसमें डैमेज आएगा, जगह जगह से उसमें जो बाहर से नज़र नहीं आएंगे, अंदर से छोटे छोटे डैमेज आएंगे। उसके अंदर कोई हड्डी तो होती नहीं, कोई ऐसी कोई स्टील का कोई रॉड तो होता नहीं जो कि उसको इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। उसके अंदर आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ खून की नालियाँ होती हैं जिसमें खून का प्रेशर इतने प्रेशर से अंदर जाता है कि वो इतनी टाइट हो जाती है, जिसकी मैं मिसाल अक्सर अपने मरीज़ों को देता हूँ कि गुब्बारे में, जब गुब्बारा बिल्कुल ढीला होता है, आप उसमें हवा भरते हैं तो प्रेशर से इतना टाइट हो जाता है कि आप एक दूसरे को अगर हिट करते हैं तो महसूस होता है जी कोई चीज़ लगी है। वो तो सिर्फ हवा है और इसमें खून का, लिक्विड का प्रेशर है जो अंदर जाता है और पीछे से वो एक वाल्व बंद हो जाता है ताकि वो वापस ना जा सके, और उसकी वजह से उसमें ये हार्डनेस पैदा होती है। जब आप उसको दबाएँगे तो वो जगह जगह से उसमें डैमेज पैदा होते हैं, वो बाद में ठीक होते हैं और उसका क्या होगा, नुकसान होगा। उससे नुकसान ये होगा कि वो एक
टेढ़ापन उसमें आना शुरू हो जाता है। जिस तरह अगर आपका ज़ख्म होगा, ज़ख्म ठीक होगा तो वहाँ पे एक निशान बनेगा और एक यूँ इकट्ठी होकर जल्द एक मरोड़ी सी या जो भी आप कहते हैं फाइब्रोसिस हो जाता है, वो चीज़ बन जाती है। इसी तरह नफ्स में यही चीज़ पैदा होगी, उससे आपकी बाद में जो कि लेटर ऑन करते करते यहाँ तक होता है कि आपका इम्पोर्टेंस तक पहुँच सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम कहते हैं कि शहवत के आने की नुकसान में पहुंच सकती है। दूसरा, उसके जो सेंसर्स ऊपर लगे हुए हैं, जब आप उसको प्रेशर ज़्यादा देंगे, उसको ऑयल की कमी के बगैर जो उसकी मलाइमियत होनी चाहिए उसके बगैर उसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखेंगे, जिस तरह आपकी गाड़ी का इंजन है ओवरहीट होके ख़राब हो जाएगा, इसी तरह वो भी ओवरहीट होके आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगली बात आ जाती है, ये तो बात मैंने आपको बताई जो कि प्रैक्टिकल सारी बातें हैं, और इसमें जो है साइंटिफिकली भी अगर हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग के दो हिस्से आ जाते हैं। एक एंटीरियर पोर्शन होता है, अगला हिस्सा दिमाग का, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं जिसको कंट्रोल करता है, जो कॉग्निटिव फंक्शन हमारा बोलना, सोचना, समझना, देखना, इस किस्म के जो हमारे फंक्शंस जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उनको कंट्रोल करता है। और वो पोर्शन जो है, जब इंसान सेक्स करता है, जब उसमें वो भी इन्वॉल्व होता है, पूरे का पूरा दिमाग उसमें सारा हमारा शामिल आ जाता है और उसको ये कंट्रोल करता है। जब मास्टरबेशन करते हैं तो साइंटिफिकली इट इज़ प्रूव्ड कि वो पोर्शन काम नहीं करता। जब वो पोर्शन काम नहीं करता तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये चीज़ सोचना, समझना, ये बोलना, मेमोरी, ये सारी कुछ कम होना शुरू हो जाती है, उससे आपको चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। और चूंकि ये सेक्स कंप्लीट सेक्स नहीं होती, इसलिए आपको आपके जिस्म को रिलैक्स करने की बजाय आपके हार्मोन्स प्रॉपर निकलें, आपको उससे फ़ायदा हो, उसकी बजाय आपको इससे एक दोबारा करने की एक चाहत, जिसको कहते हैं कि वो चीज़ आना शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं कि एडिक्शन। क्योंकि ये इनकम्प्लीट होती है इसलिए आपको बार बार करने की तलब आपके दिमाग में ये पैदा होती है, और ये आपकी जो है वो उसको एक दफ़ा करते हो आपको सेटिस्फेक्शन होती है, दूसरी दफ़ा करते हो, फिर नहीं, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, और ये फिर आपको आहिस्ता 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 ज़हनी बीमार और सेक्सुअली इल सिक आपको बना देती है। सो किसी भी तौर पे ना तो अल्लाह की तरफ से, ना आपको जो है हम मेडिकली, ना आप हम कहेंगे कि फिज़िकली, इसका किसी भी तौर पे कहीं पे भी इजाज़त नहीं है और ना होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस हो, आप इस उम्र में पहुंच जाएं और आप इस काबिल हों, तो इस्लाम का जो आप हमारे लिए सब के लिए हुक्म है, तो निकाह करें और अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये करें, आप पूरा जो है इस्लाम खोल के देख लें। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, औरत मर्द के लिए बनाई गई, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन सीधे तरीके से, गलत तरीके से नहीं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पे भी, कहीं पे भी, किसी हालत में भी, जंग की हालत हो या कोई भी मुश्किल तरीन हालत हो, कहीं पे भी कोई ऐसी इजाज़त या कोई ऐसी रवायत नहीं आपको मिलेगी कि आप जो है ना वो मुश्तनी कर लें, मास्टरबेट कर लें और अपने आप को इसमें सेटिस्फाई करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी अपनी बेटी से पूछ के, जितने जो जहाद पे गए हुए मुजाहिदीन को 3 महीने के बाद, उनको 3 से 4 माह के बाद लाजमी छुट्टी करार दी गई कि वो अपने घर जाए जो शादीशुदा है। और इसी तरह जो है इसके जो बाकी भी जगहों पे आपको जितने भी उलमा से हैं, किसी से भी आप पूछ के देखेंगे, खुद पढ़ें, सबसे बड़ी बात ये होती है, तो आपको ये इसमें मिलेगा। मेरा ख़्याल में कि मैं बहुत हद तक मैंने कोशिश की है कि थोड़े से टाइम में मैक्सिमम इसको कवर करके इनको गलतफहमियों को दूर कर सकूं। अगर मैं कर सका हूं तो इसको ज़रूर पसंद कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।